हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। आज की कैंडल वैक्स रीडिंग है और हमारी रीडिंग का आज टॉपिक है आपकी शादी किससे होगी और कब होगी, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये सब हमने देखना है। आपकी शादी किससे होगी और उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, कैसा होगा उनका नेचर। देखिए, जिनसे आपकी शादी होगी पहले इनके रिलेशनशिप रह चुके होंगे। कुछ लोगों के जो भी पर्सन होंगे उनकी रिलेशनशिप्स पहले रही होंगी, एक से या दो से ज़्यादा, किसी किसी की तीन भी रही होंगी। और कुछ लोगों के पर्सन बिल्कुल सिंगल होंगे, उनकी ज़िंदगी में कभी कोई आया ही नहीं होगा और वो थोड़ा सा कटे कटे रहते होंगे, ज़्यादा बात करने वाले इंसान नहीं होंगे। लेकिन जिनकी फ्रेंडशिप पहले रह चुकी है, उन्होंने भी पहले धोखा उनकी ज़िंदगी में हुआ है, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फील किया है, तो वो एकदम से आपके साथ रिलेशनशिप बढ़ाएंगे नहीं आगे। जब ये इंसान मिलेगा आपको, आपको लगेगा कि ये तो ज़्यादा बात ही नहीं करता, ये इंटरेस्टेड ही नहीं है मुझ में। लेकिन इस इंसान को पहले बहुत धोखा और बहुत चीटिंग मिली होगी, तो ये इंसान इसलिए थोड़ा कटा कटा रहेगा, इस वजह से ये आपसे कम बात करेंगे पहले। लेकिन बाद में आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। कुछ लोगों की अरेंज मैरिज ही होगी, आपके पेरेंट्स ही ढूंढेंगे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी होगी, शुरू शुरू में आपको लगेगा कि ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है मेरे में, ये मेरे से ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा, अकेला अकेला रहता है, ज़्यादा फ़ोन भी नहीं करेंगे। लेकिन जब शादी के बाद आप देखोगे कि ये बिल्कुल आपको बिल्कुल चेंज दिखेंगे, कि फिर ये आपसे खुल के बात करेंगे कि मैं क्यों कम बात करता हूँ, क्यों मेरी ज़िंदगी में पहले ऐसा हुआ था और मैं धोखा और चीटिंग से बहुत डर रहा था, इस वजह से मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। यस। और कुछ लोगों में अगर आपके ये एक्स है ना, तो इनकी पर्सनैलिटी भी अब धीरे धीरे ऐसी होगी होगी, अगर ये इंसान गया भी होगा थर्ड पार्टी में, तो आजकल ये अकेला है बिल्कुल, और ये दोबारा आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अब बात कर नहीं रहे हो, कुछ लोग बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। सी बना है यहाँ पे, आई भी बना है यहाँ पे, आप भी बिल्कुल चुप चुप रह रहे हो आजकल, आपकी पर्सनैलिटी भी बड़ी चेंज लग रही है मुझे। लेकिन मैं बताऊं आपको कि जिससे आपकी शादी होनी है वो इंसान बहुत अच्छा होगा, बहुत केयर करने वाला इंसान होगा वो, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में पहले उसका दिल टूट चुका होगा। थ्री नंबर बना है यहाँ पे, और उस इंसान को बच्चों से भी बड़ा प्यार होगा, हो सकता है उनके घर में डॉगी भी हों, तो उनको ना पेट्स भी बहुत अच्छे लगते होंगे, शायद हो सकता है आपको भी पेट से बहुत प्यार है, आपके घर में एक से ज़्यादा डॉग भी हो सकते हैं, कैट भी है किसी किसी के घर में, यहाँ कैट पूरी बनी है, बर्ड्स भी रखे हुए हैं आप लोगों ने शायद घर में, तो ये भी एक उनकी हॉबी होगी कि उनको पेट से बहुत प्यार होगा। एट नंबर बना है यहाँ पे, और मैं एक बात बता दूँ, ये इंसान जिससे आपकी शादी होगी आपको बड़ा खुश रखेगा बहुत, जैसे खिलौने, देखो यहाँ पे खिलौनों की शेप बहुत बनी है, ये पूरा हार्ट बना है यहाँ पे, तो ये देखिए, ये भी खिलौना बना है पूरा, ये भी खिलौना बना हुआ है, तो ये ना ये बहुत मतलब आपको ना कभी रोने नहीं देगा, ये इंसान जिससे आपकी शादी होगी ना, ये आपको कभी रोने नहीं देगा। अगर आप पहले से डिवोर्सी हो या विडो हो और आप दूसरी शादी करना चाहते हो, यस आप होप है कि आपकी शादी हो जाएगी दूसरी। यस। अगर आपके बच्चे 5 साल से छोटे हैं कुछ लोगों के लिए, या 8 साल से छोटे हैं, 100% आपके आपकी सेकंड मैरिज होने के चांसेस हैं। ये इंसान ना बिल्कुल अकेला, जब मैं कह रही हूँ कि मतलब ये इंसान ना बिल्कुल अकेला जीना सीख चुका है एक तरह से, क्योंकि बहुत चीटिंग मिली है इनको। यहाँ पे दिया भी बन गया, एस भी बन गया, टी भी बन गया, यहाँ पे जे भी बन गया, यहाँ पे वाई भी बना है, यहाँ पे वी भी बना है, यहाँ पे आपके दिल को हील करने के लिए यूनिवर्स या आपका जीवन साथी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा ढूंढ रहा है, बहुत प्यारा जीवन साथी आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके एक्स भी वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, अब आपको चुनना पड़ेगा कि आपको किसके साथ जाना है। 4 नंबर बना है यहाँ पे, 6 नंबर बना है यहाँ पे, 2 नंबर बना है यहाँ पे, जी बना है यहाँ पे, कंप्लीट जी बना है, 9 बना है यहाँ पे। ये इंसान की फैमिली भी आपको बहुत प्यार करेगी,
जिससे आपकी शादी होगी इसकी फैमिली भी आपको प्यार करेगी। हो सकता है ये सिंगल चाइल्ड है अपने घर में। यस, एल बना है यहाँ पे। बट आपको जब आपकी शादी हो जाए और आपको ऐसी खुशियाँ मिले तो आपने ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करनी अपनी खुशियाँ। हर एक को नहीं बताते फिरना आपने कि यस वो मेरी बड़ी केयर करता है, ये ऐसा वैसा, ये सब नहीं करना। क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी हाय लग सकती है, तो आपने अपनी खुशियों को हमेशा छुपा के रखना है। ये फूल बने हैं पूरे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये फूल कभी मुरझाए ना। ये केयर आपको करनी है, आपका दिल पूरा पूरे तरीके से ये इंसान आपको खुश रखने की कोशिश कर रहा है। पूरा हार्ट 3-4 बन बना है यहाँ पे। बहुत प्यारा जीवन साथी मिलेगा आपको। इसकी हाइट अच्छी होगी, कई कुछ कुछ की हाइट 6 फिट के करीब भी होगी। हो सकता है आपकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है, कि मतलब आप भी 5'10" 5'11" के करीब हो, और कुछ में आप 4'9" 4'8" हो। तो आपको ये भी डर है कि मेरी हाइट छोटी है, मुझे जीवन साथी कैसा मिलेगा। आपको अच्छा ही जीवन साथी मिलेगा, और वो उसको आपकी हाइट से कुछ लेना देना नहीं है, वो उसको आपका दिल देखना है बस। यस, तो अगले 8 महीने में, अगले 6 महीने में, आज से लेके अगले 15 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे लोगों की शादी हो जाएगी। जो लोग बहुत टाइम से टेंशन में है, 30-31 साल उम्र भी हो गई जिनकी, तो आगे के लिए आपके लिए टाइम अच्छा आ रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि जीवन साथी भी बहुत अच्छा आ रहा है, कोई कार्मिक नहीं आ रहा आपकी ज़िंदगी में। यस, बस आपने एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब तक काम पूरा ना हो जाए, आपकी शादी ना फिक्स हो जाए, तब तक आपने शोर नहीं मचाना बिल्कुल भी। क्योंकि कुछ लोगों की कहते हैं ना, नज़र अच्छी नहीं है आपके ऊपर, मतलब वो आपको खुश नहीं देख सकते, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी हों। तो आप लोगों ने ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना जब तक शादी का दिन नज़दीक ना आ जाए, ठीक है? और अपनी खुशियाँ शादी के बाद भी ज़्यादा शेयर नहीं करनी, छुपा के रखा करो खुशी को। आपका घर भी बहुत सुंदर होगा जिस घर में आपकी शादी होगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है आपको घर वर्क से नहीं फर्क पड़ता, आपको सिर्फ इंसान का दिल अच्छा चाहिए, और दिल उनका बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो इंसान 100% देगा आपको, 100% अकेला नहीं छोड़ेगा वो आपको बिल्कुल भी। चलिए अभी मैं टैरो से ले रही हूँ। कितना प्यारा आया, कितना प्यारा, बहुत सुंदर, कितना सेंटर में दिल बना है, बहुत सुंदर रीडिंग। चलिए अभी टैरो से देख लेते हैं आपकी शादी किससे होगी और उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। आपकी ओह वाह, 10 स्टार इकट्ठे 3 कार्ड आ गए, 10 स्टार, द वर्ल्ड। कुछ कुछ लोग फॉरेन कंट्री में भी आपकी शादी हो सकती हो। वाह, जैसा मैंने कहा था वैसे ही कार्ड है। आप जैसा जीवन साथी मांग रहे हो वैसा ही जीवन साथी मिलेगा, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, सच्चे दिल से आपको प्यार करेगा। द वर्ल्ड आपको पैसे की भी कमी नहीं होने देगा, वो अपनी पूरी दुनिया आपको समझेगा। द वर्ल्ड का कार्ड और ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, लेकिन उसकी दुनिया आपसे शुरू आप पे ही ख़त्म होगी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में पहले ऐसा हो चुका होगा कि उसने अपना प्यार खोया होगा। तो जैसा प्यार आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, जैसा जीवन साथी आप मांग रहे हो, ऐसा ही जी। ओ हेरोफेंट, लो ये देख लीजिए, हेरोफेंट का आप जिसको पसंद करते हो वो भी आपकी, उससे भी आपकी शादी हो सकती है। तो मैंने बोला ना आपके एक्स भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो अगले 5 से 8 महीने, मतलब आज से लेके अगले 21 महीने के अंदर अंदर, मैंने 15 महीने पहले ही बोल दिया था, ये देख लीजिए 17 भी आ गया, 21 भी आ गया, आप लोगों की शादी हो सकती है। और अब जो जीवन साथी आ रहा है, एक विल गिव एंड टेक करने वाला है, क्योंकि बहुत देर से वो आपसे दूर है, आप भी इंतज़ार कर रहे हो और वो भी इंतज़ार कर रहा है सच्चे प्यार का।
वाओ, नाइन ऑफ पेंटिकल, जो सारी विशेज आपकी पूरी करने वाला है, जिसके साथ रह के आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये मैंने पहले भी बोला था कि पैसे की उसको कमी नहीं होगी, और आपको अब आप ऐसे हो चुके हो कि आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको चाहिए प्यार। टेन ऑफ कप, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। मैं दिल से चाह रही थी कि ये कार्मिक रीडिंग ना हो, और वही बात हुई कि एंजल ने जैसे सुन ही लिया हो, इतने प्यारे कार्ड, इतने प्यारे कार्ड आए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। तो कहीं ना कहीं मैं बड़ी खुश हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी बननी है अभी आगे, और अगर आपको अच्छे इंसान मिलते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी जन्नत जैसी हो जाएगी ना, सारी खुशियाँ देगा। मैंने बोला ये इंसान बड़ी केयर करेगा, इसकी दुनिया ही आप हो। इसने इक्वल गिव एंड टेक करना सीख लिया होगा, इसने रोना क्या होता है किसी के प्यार में ये सीखा होगा इस इंसान ने। नाइट ऑफ पेंटिकल, हो सकता है ये दूर से कहीं ट्रैवल करके आए, हो सकता है ये इंसान कहीं दूसरे देश में रहते हो और आने वाले कुछ दिनों में आपके देश में, आपके शहर में आ रहे हैं ये इंसान। तो ये आपके, ये भी हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स में ही कोई, जैसे आपके पापा के दोस्त, भाई के दोस्तों में से ही कोई हो जो इस रिश्ते में था। हर्मिट, देख लीजिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होगी इस इंसान की, क्योंकि पहले ही ठोकरें खा के आया हुआ है। आजकल आपको ट्रिपल पेज ऑफ वैंड का कार्ड है, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप दोनों मिल सकते हो। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अकेलापन एंजाइटी क्या है इस इंसान को पहले से महसूस हो चुका है, और कहीं ना कहीं आप भी इसी चीज में हो। और इसके नीचे हमारे पास आया है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो यूनिवर्स आपको बहुत सारी खुशियां देने वाली है, और ओ माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। सिक्स ऑफ वैंड, विक्ट्री का कार्ड। आपके घर वाले भी आपकी शादी के लिए ढूंढ सकते हैं, और कुछ लोगों की लव मैरिज ही होनी है, उसी इंसान के साथ हो जानी है जिसको आप प्यार करते हो। आज की रीडिंग क्लेम जरूर करना आप लोग, जितना हो सके शेयर करना है अपने वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन भी दबाना है, ठीक है। और अभी हम ले रहे हैं आप लोगों के लिए आपके नेम्स, देखते हैं आज किसका किसका नाम बनता है। जैसी कैंडल वैक्स रीडिंग हुई वैसे ही मैसेज आया, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोगों को खुशियाँ मिलती हैं। आप लोग इतना भी मैसेज कर देते हो ना, मैम मेरे पर्सन का कॉल आ गया, मैसेज आ गया, आपने जो बोला था वो हो गया, बस इसी में ही मुझे इतनी खुशी मिलती है कि जैसे पता नहीं आपको खुश देख के मुझे क्या ही मिल रहा है। मतलब दिल से महसूस करती हूँ मैं आपकी खुशी, और मुझे बड़ी हैप्पीनेस होती है कि कोई मुस्कुरा रहा है। वाओ, ये भी खुशी बहुत बड़ी है कि कोई मुस्कुरा रहा है और हम उसे देख के खुश हो रहे हैं। इससे भी ये भी बहुत बड़ी, इस दुनिया में बहुत कम रह गया ये कि कोई किसी की खुशी देख के मुस्कुरा रहा हो, अदरवाइज सब हेट ही करने वाले रह गए हैं। प्यार करने वाले तो बहुत कम बचे हैं जो आपकी खुशी में दिल से ही खुश हों। ई बी जी टी एन एम एन ई जी सी पी डी A K K B R X B T G Y D Q H U A O H V W Y N R H एंड। ये थी आज की रीडिंग, अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कर देना, पेज को फॉलो कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल बटन भी दबा देना। ओके विज, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।